हेलो एवरीवन, हाय। पठानकोट वाले रमेश कुमार जी आ गए, औरंगाबाद से शीतल तुम भी आ गई। बैठो भाई बैठो, प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। मेरा नाम सूरज प्रकाश है और इंग्लिश में लोग मुझे सन भी कहते हैं। मैं तो इतना ज्यादा सन हूँ कि मेरा बेटा भी मुझे सन कहता है। मैंने कहा बेटा मैं तेरा सन नहीं तेरा पापा हूँ। कहता है पापा मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। मैंने कहा बेटा ये टाइम भी मजाक करने का है क्योंकि 9 बज गए और सोनी टीवी पे द कपिल शर्मा शो शुरू होने वाला है। प्रोग्राम शुरू हो भाई हो, आहा बहुत मजा आएगा। तू अंधा धुंध डांस कर रही है, देखो दिखाई नहीं देता माताजी। अरे जब से तूने मेरी मोतीबीन का गंदा ऑपरेशन किया है तब से मुझे सिर्फ 10 तक का दिखाई देता है। अच्छा सिद्धू जी इधर, सिद्धू जी इधर। अरे क्या इधर उधर होते हैं सिद्धू जी, एक जगह बैठ के सुनो ना। अच्छा अम्मा आपको पता है इसके गंदे ऑपरेशन की वजह से मुझे टेस्ट मैच 2020 दिखता है। अच्छा अगर ऑपरेशन करते हुए तेरी आंखें बंद थी तो तुझे कैसे पता लगा मैंने गंदा ऑपरेशन किया है भाई? पैसे निकाल मेरे। मैं तेरा प्राण निकाल लूंगी। डॉक्टर मनोज कहीं का? मनोज नहीं, मैं मशहूर डॉक्टर हूँ। अरे जा जा जा, तुझे जानता कौन है? जानता कोई नहीं, इसीलिए तो नाम डॉक्टर मशहूर रखा हुआ है। अब पूरे मोहल्ले की डॉक्टरी संभालता हूँ मैं। आवाज संभले नहीं जाती है, डॉक्टरी क्या संभालेगा मैं। अरे वो मैं इसलिए सिद्धू साहब क्या है ना कि मैंने बकरी की किडनी लगवाई हुई है। क्या हुआ, मैं 7 दिन से नहाया नहीं था तो मेरे हो रही थी खुजली होती है, तो मैं से खुजा रहा था तो मेरे को खुजाते खुजाते गुदगुदी होने लगी। मेरे को आने लगा मजा, फिर मैंने और खुजाया, फिर मेरे को और मजा आने लग गया। फिर मैं खुजाते खुजाते ना क्या हुआ, मेरे राजमा बाहर आ गए। तो नर्स कहती है राजमा नहीं किडनी है। मैंने कहा अच्छा ये किडनी है, तो मेरे को अब कौन किडनी देगा? साथ में एक बकरी खड़ी थी। आजकल इंसान वो काम नहीं करते जो बकरी ने कर दिखाया। मैंने कहा कौन किडनी देगा? कहती मैं कहा ठीक है तू दे दे। शक्ल पहले ही मेमड़ी जैसी थी, किडनी भी बकरी की लगा ली। उनकी तरह दूध दिलाना शुरू कर देना। तू जानता है ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अच्छा हाँ, तेरे अत्याचारों का जवाब देने के लिए मेरा कप्पू आ रहा है। अच्छा बिल्डअप तो ऐसे कर रही है जैसे बाहुबली आ रहा है। अरे कप्पू वही है ना जो पहले इत्तू सा था। वो तो 20 साल पहले। अच्छा अब बहुत बड़ा हो गया है वो। अच्छा बड़ा हो गया, तो फिर मैं जाके ना अपनी बेटी को छुपा लेता हूँ। मेरा कप्पू वैसा नहीं है। अच्छा मेरी बेटी तो वैसी है ना। मैं छुपा के आया। सरला छुपा दे उसे और तू भी जल्दी छुप जा। मैं भी जाती हूँ। ओ पेड़ा, पता है मैं पेड़ को नमस्ते करने आई थी। नमस्ते, नमस्ते। आप भी करो। सिद्धू भाई आओ, महाराजी आओ। आप मेरे से पहले आ गए। आप मैं शाहरुख के प्लेन में आया हूँ। तो शाहरुख भाई तो दिल्ली में है अभी। हाँ हाँ तो प्लेन में ले आया। भाजी कमाल है, प्रोमो में हेलीकॉप्टर ले उड़े, अभी शाहरुख का प्लेन नए शो में बड़ा उड़ रहे आप। क्या बात है। ओ साहब पैसे नहीं चाहिए भाई, देने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, अपने मांग रहा हूँ। तेरे को शर्म नहीं आती, इतना बड़ा होके भीख मांग रहा। भगवान ने छोटे छोटे हाथ पैर दिए, कोई काम कर जाके, ऑटो चला जाके। ऑटो से ही तो लेकर आया हूँ आपको। चलिए किराया निकालिए। जलील आदमी, मुझे लगा तो इंसानियत का नाता है मुझे छोड़ने आया इधर। ऑटो इंसानियत से नहीं गैस से चलता है। ओ चल दफा जा, फ्रैंक ना हो जाता मेरे साथ। ओ भाई तो फिर पैसे निकालो चलो। नहीं है पैसे पे। ओए चल रामपुरी, 3 महीने बेरोजगार क्या हुआ, बच्चों जैसे आदमी चाकू लेके घूम रहे हैं। देता हूँ पैसे यार, देखो शो तो कर लेने दे यार पूरा। ठीक है ठीक है, शो कर ले, बाहर वेट करता हूँ। कर 5-6 साल, हाँ 5-6 मिनट में आता है यार। अब ठीक है, बोहनी की नहीं हम भिखारी पैसे मांगने आ गए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। तो पाजी कैसी लग रही है आपको हमारी शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? इस जगह पर उदासी। शुक्रिया। आया अच्छा, 1 नंबर लग रहा है। ओके। इस जगह, अबे मेरी भी तो सुन लो, अपनी टांग अड़ाए जा रहे हो। इस जगह पर उदासी मुंह मोड़ जाती है और हंसी हर रोज नई बौछार लेके आती है। वाह, हर रोज। अरे अभी मैं दुक्का मार रहा हूं, तुम छिक्के मार रहे हो। इस जगह पर उदासी मुंह मोड़ जाती है और हंसी की हर रोज बौछार आती है। हर रोज नई बात पर होता है कोई ना कोई हल्ला, क्योंकि ये है हंसी बाजों का मोहल्ला। अरे वाह। तो बाजी इस मोहल्ले से हम लोग नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबका प्यार चाहिए, आप सबकी दुआएं। थैंक यू सो मच। बाजी सफर बड़ी मजेदार चीज होती है। हाँ, कोई भी सफर हो, आप देख लो। कभी आप हिल स्टेशन पे जाओ ना, आपको 2 तरह के जोड़े मिलते हैं घूमने को। हाँ, देखने को मिलते हैं। एक तो जैसे आपके पीछे जो मोहतरमा बैठी ना नाइटी में, जो मैरून वाली। एक तो ऐसे जिनकी नई नई शादी हुई होती ना, जीन्स की पैंट पहन के ना, हाथों में मेहंदी लगी होती, चूड़ा पहना होता है और पति के साथ ये चिपक चिपक के जाते हैं, बीच में से हवा भी नहीं निकलती। दूसरे होते हैं जो 15 साल बाद वापस आए होते हैं। हाँ। शादी 15 साल पहले हुई थी। एक 14 साल का बेटा है, मूछों वाला थोड़ा सा। हाँ। एक 8 साल की बेटी है। हाँ। अच्छा, नया जोड़ा इतना मसरूफ होता है, वो पुराने जोड़े में अपना भविष्य देख ही नहीं पाता। हाँ। आप देखना, नया जोड़ा जो होता है ना, वो लड़का हर चीज खिलाता है। वहां पे जो भी मिलती है ना, स्ट्रॉबेरी लीची, वो भी खा रही थी चबक चबक। जो 15 साल वाला, 20 साल वाला पुराना ना, कोल्ड ड्रिंक पी लो। नहीं जी मैंने गैस हुई है। हनीमून होता है पैसे वाले लोगों का काम। इधर शादी हुई, फटक से स्विट्जरलैंड की फ्लाइट बुक। ठंडी ठंडी हम लोग गरीब लोग 4 बसें बदल के पहले तो मनाली पहुंचते हैं। हाँ। रास्ते में बीवी उल्टियां करती जाती है। हाँ। पहाड़ी रास्ता होता है ना, फिर आदमी पहुंचता है उल्टी के लिए भी, इसके क्या मुंह लगे। और 2 दिन के लिए बेचारों ने होटल बुक किया होता है, वो 2 दिन में दुपट्टा बांध के बैठती थी। हाय वैसे मर गई। आम आदमी का बेचारे का क्या हनीमून है। अब देख लो, बारिश होती ना तो नया जोड़ा हर चीज को एंजॉय करता है। ओ माय गॉड, हिल स्टेशन, ऊपर से स्नो। हाँ। शादीशुदा आदमी जो 15 साल पुराना, उसको कोई नहीं। पहले यार इतनी ठंड, बारिश शुरू, कीचड़ हो गया यार सारा ही। हेलो बच्चों को ले अंदर, होटल चलो। वो एंजॉय नहीं करते। नजरिया अपना अपना जो। शुक्रिया। वाह। जो नया जोड़ा है, हाँ, जो पुराना जोड़ा, फर्क क्या होता है? पुराना जोड़ा रास्ते में नदियां, पहाड़, झरने सब कुछ देखता आता है। हाँ। नया जोड़ा एक दूसरे को देख रहा होता है। हाँ। उनको मौसम से कोई परवाह नहीं, वो तो अपना मौसम बनाने आए होते हैं। हाँ। आप कभी ट्रेन का सफर करो तो आप उसमें देखना, आप जो चाय वाले होते हैं ना, सुबह सुबह जब आते हैं, उनकी बड़ी एनर्जी होती है, चाय 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 पूरा भाग के। शाम तक जब इस तरफ वाली चाय बिक जाती है, गाड़ियां भी लेट हो रही, रात को उनका साउंड होता है, चाय चाय चाय। फिर रात को 12-1 बजे तक ना, वो चाय निकलना बंद हो जाता है, फिर इशारे में करते हैं, वैसे हो जाते हैं। इनके पूछने से ट्रेन की स्पीड का पता चल जाता है। जैसे ट्रेन खड़ी है तो एक एक खिड़की में झांक के पूछे, पकौड़े पकौड़े पकौड़े। जैसे ट्रेन चलती, इनकी पकौड़ी तेज होती, पकौड़े 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 पकौड़े, साथ साथ भागते ट्रेन के। आप कभी देखो, ये पैसे वाले लोग घूमने जाते हैं ना, अमीर लोग घूमने जाते हैं। हाँ। उनका सूटकेस देखना आप। हाँ। वो खुद भी पूरा सूटबूट में जाए, सूटकेस भी जैसे जिम से ऐसे चल रहे होते हैं वो। एंजॉय। हम गरीब लोग ना पूरी फैमिली एक ही बैग में भरते हैं। पहले मोटा सा बच्चा बिठाते, बैग में पूरा भर के ना, पापा मैं बैठा हूँ जिप लगाओ। तो बच्चा बैठता, फिर बाप जिप लगाता, बड़ी मुश्किल से कान फान के जिप बंद करते हैं, फिर अलग ही जगह से बैग खुल जाता है, फुलतरू सा बाहर आया। बैग में जितनी जगह है, अब पैसे वाले लोग तो सूटकेस में आधा सामान डालते हैं, उनको पता आधा जाके होटल में मिल जाना है। हमने लेना 200 रुपए वाला कमरा होटल में जाके। हाँ। सारा सामान लेके जाते, तौलिया, ब्रश, कच्चे बच्चे, चप्पलें। हाँ। सूटकेस इतना भर देते ना, वो फिर जिद्दी बच्चे जैसा हो जाता है। हाँ। इसको बालों से पकड़ के स्कूल लेके जाते हैं। हाँ। सूटकेस हिलता ही नहीं अपनी जगह से। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तो ऐसा उनका सूटकेस ऐसा होता है। आप देख लो ना, कभी कभी सफर, जिंदगी भी एक सफर एक्चुअली। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन हम करते रहते हैं। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, इनको चोटें अजीब तरीके से लगती हैं। आई वॉज प्लेइंग गोल्फ और आई गॉट एक जो कुछ भी बोलते हैं, मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा था, गिर गया। हमारे जैसे लोग पता कैसे गिरते हैं? बाथरूम में कच्चा पहनते पहनते गिर जाते हैं, कच्चा पकड़ते हैं, कच्चा पहनते पहनते फिसल जाते हैं। आप देखना, हमारे कच्चे भी वैसे होते हैं। नॉर्मल कच्चे में 2 छेद होते हैं, दाईं टांग के लिए बाएं, इनके 5-6 होते हैं। कभी कभी गलत छेद में पड़ जाता है इनका, और हम देख तो नहीं सकते, लेकिन बाथरूम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज अक्सर होती हैं। आपको पता भाजी, कच्चे की भी एक जर्नी होती है। आप नया कच्चा लाओ ना, तो वो पूरा ऐसे होता है स्टैंड पोजिशन में। फिर आदमी की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसकी शेप चेंज होती रहती है। आप कभी देखना, कभी ना आप नया अंडरवेयर लाओ, सीधा ही उसको तार पे टांग दो, वो ऐसा पूरा स्ट्रेट होता है। जो भी आप पहनते हैं, आई डोंट नो, वी शेप है या ऐसा। अब किसी आदमी को ऐसा खड़े होने की आदत है, तो उसका कच्चा तार पे भी टांगा हो तो कच्चा भी ऐसे होता है। अगर कोई ऐसा खड़ा होता है तो उसका कच्चा ऐसा होता है। धीरे धीरे उस कच्चे को आप इतना पहनते हैं, इतनी बार धो देते हैं, फिर तार पे टांगते हैं, वो अकड़ जाता है। आप उसको एक साइड से पकड़ के ऐसे उल्टा सीधा कर सकते, पूरा ऐसे फ्लो में जाएगा। कच्चे की अकड़ क्यों होती, मुझे पता नहीं। मे बी इसलिए शायद उसको सारे राज पता है। आजकल फैशन भी हो गया भाजी। आजकल ना लोग ये वाले कपड़े कम दिखाते हैं, जानबूझ के ना पैंट ढीली पहनते हैं, इधर से वो अंडरवेयर दिखता रहा, पता नहीं क्या करते हैं। ये तो सेहत नहीं लड़कों की, उतने दुबले दुबले पतले, पैंट नीचे गिर रही होती। ये वाली पॉकेट जो यहाँ पे होनी, यहाँ पे होती है। अरे कच्चे से क्या लेना है, शक्ल तो ऐसी है जैसे टांगे वाले ने आम चूस के फेंक दिया। आप एड फिल्म्स देख लो भाजी, पहले पहले एड फिल्म्स आती ना, अरे रिश्ता तो हमें पसंद है, एक बात तो बताना हम भूल ही गए। क्या? कुछ नहीं, बस बारातियों का स्वागत पान मसाले से होना चाहिए, ऐसी एड आती थी। सीधा सीधा बोलते थे। आजकल समझ नहीं आती। आप एड देखो, लड़की को गुंडे छेड़ रहे हैं, लड़का पहाड़ से लटक के आ रहा है, गुंडों को मारा, भिश भिश, टीआईपी अंडरवेयर। इसमें क्या मतलब? अंडरवेयर का क्या उसमें रोल? अभी भी अगर लड़की को गुंडे छेड़ भी रहे हैं, 2-3 मिनट और छेड़ लेते तो पैंट पहन के आ, फालतू में। पंखे की अपनी जर्नी होती है। आप नया नया पंखा लो ना, 1 नंबर पे चलाओ तो 1 नंबर पे चलता है वो, 2 नंबर पे, 3, फिर 4, फिर 5। धीरे धीरे ना उसकी बढ़ जाती है। हाँ। उसकी फिर 1 नंबर की स्पीड और 5 नंबर की रह जाती है, बीच वाली 2, 3, 4 गायब हो जाती है। हाँ। या तो बहुत तेज चलेगा या बिल्कुल स्लो चलेगा। हाँ। फिर एक टाइम ऐसा आता है, बहुत पुराना आता है ना पंखा, आप उसको चलाओ, पंखा वहीं खड़ा रहता है, उसकी नीचे की मशीन हिल रही होती है अंदर की। पंखा नहीं हिलता, फिर पंखा खड़ा रहता है, मशीन हिल रही है, फिर आदमी डंडे से पकड़ के ऐसे घुमाता है, फिर पंखा होता है पूरा, फिर चलता है। फिल्मों में एक्शन की जर्नी आपने देखी ना भाजी, पहले हीरो ना मुक्का मारते थे, इतना नई टेक्नोलॉजी थी तो मुंह से आवाज निकाल, शत्रु साहब आप भीष्म, भीष्म आप। असली साउथ इंडियन मूवीज में आप देखो उनका एक्शन, एक आदमी ने गोली मारी है, विलन ने, सामने उसकी माँ हीरो की, हीरो गोली के साथ निकल रहा है, इधर विलन ने गोली चलाई, हीरो गोली के साथ भाग रहा है, एक टाइम पे जाके गोली, और वो आमने सामने गोली को देखता भी है, फिर जाके माँ को साइड पे करते। बताओ एक्शन नए नए। आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल सबके पास, अपने अपने फोन है, सबके पास कैमरा होता है। पहले पाजी फोटोग्राफर कितनी वैल्यू होती थी, फोटोग्राफर इतनी बड़ी चीज होता था कि शादी के टाइम पे वो दूल्हे से पहले घूंघट उठा लेता था, मैडम थोड़ा ऊपर करिए, स्माइल, हाँ अच्छा, पता नहीं कौन सा एंगल ले रहे होते मैडम। अरे दूल्हा पास में खड़ा घूर रहा होता था कि रजिस्ट्री हमने कराई, इनॉग्रेशन कोई और कर रहा है। अरे जितने हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी जर्नी करते होंगे, सफर करते होंगे, आपको अपने परिवार के साथ सफर करना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ करना लगता है, प्लेन में सफर करना अच्छा लगता है, ट्रेन में? कौन मेरे दोस्त कोई अपने विचार व्यक्त करेंगे? जी भाई साहब आए, खुश उठा मेरा भाई। क्या बात है, आपको देख लिए, बहुत खुश हो गए। अरे शुक्रिया भाई साहब। कहाँ से आए? बिहार से आए। बिहार में कहाँ से? नालंदा जिला। नालंदा जिला से, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं? नहीं सर, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रिक का रेस्टोरेंट है अपना। रेस्टोरेंट है आपका? हाँ, सारा खाना खुद ही खाते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं? नहीं सर, खिलाते हैं सर। अच्छा। हाँ। अरे आजकल बिहार में वो अल्कोहल बैन हो गई ना? हो गई है और होगी और कितना भी बैन हो जाए दारू पीने वाला ठेका नहीं सर, नहीं सर 10 साल की सजा है। तो आप कहीं मुंबई पीने तो नहीं आए? नहीं सर, घूमने आए सर, घूमने आए। तो फिर लोगों का रिएक्शन क्या है वहाँ पे? ठीक ही सर, अभी थोड़ा 6 महीना थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा, क्राइम खत्म हो जाएगा। ये अच्छी बात है। मैंने अपने एक और दोस्त से पूछा, बाजी मैंने कहा यार बिहार में जो शराब बैन की गई है उससे क्या फर्क पड़ा है? कहता सर ट्रैफिक बहुत कम हो गया। मैं कैसे? कहता सब पीने यूपी गए हुए हैं। आपको कैसे सफर करना अच्छा लगता है? हमको फ्रेंड के साथ ही अच्छा लगता है सर। तो शादीशुदा हैं आप? हाँ हैं, तो परेशानी है, हम देखे हुए हैं, ऐसे भी हम फ्रेंड लाइफ ही जीना चाहते हैं। तो फ्रेंड लाइफ, यस माय फ्रेंड। तो फ्रेंड्स के साथ ऐसा क्या मजा आता है जो फैमिली के साथ नहीं आता? फैमिली के साथ नहीं कुछ कर सकते हैं जो फ्रेंड के साथ कर लेते हैं, पर जो फैमिली अरे यार ये आज तक का सारे से बेस्ट डायलॉग है यार। तो घूमने फिरने जाते हैं आप वैसे? हाँ जाते हैं, घूमने ही आए, मुंबई में घूमने ही आए। अच्छा घूमने आए हैं, फैमिली के साथ क्या वैसे ही? नहीं बस 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 अकेले। हाँ हाँ आप अकेले घूमने आए? नहीं नहीं बस यार। पर बीवी पूछती नहीं कि आप कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे? मुझे गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। भैया अभी तो शौक शौक में बोले जा रहे हो। नहीं नहीं सर सीरियसली। घर पहुंचोगे ना तो नालंदा आपका जो सुझाएंगी ना आपकी बीवी। यार आदमी बड़े मजेदार हो आप, बड़ा मजा है आपसे बात करके। अच्छा शुक्रिया पारी। मैं अपनी नानी के घर में शिफ्ट हो गया हूँ, शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी। पारी बड़ी शांत जगह है और यहाँ लोग भी बड़े प्यारे प्यारे रहते हैं। आप देखो बाजी, शेख लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वाह कमाल है। क्या बात है, शेख लोग यहाँ पे रहते हैं। की हाल ने महाराज। चंदू तू पारी है तो चंदन है मेरा बचपन का दोस्त। अब तू तो दुबई जाने वाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ अमृतसर चलकर मैं मुंबई तक पहुँच गया। मैं क्या जब तक दुबई नहीं पहुँचते छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा किस चीज का बिजनेस कर रहा है? बस कुछ नहीं ऐसे ही, इधर अपना डेनमार्क से दूध आता है। अच्छा हाँ जी, और असम से चाय आती है। अच्छा हाँ, और इधर नागपुर से चीनी आती है। अच्छा सारा कुछ आ जाता है ना, जब तो हम इसको यहाँ पर असेंबल करते हैं, टपरी पर बैठकर छोटी छोटी चाय बनाकर बेचते हैं। अच्छा धंधा तो चाय का कर रहा है, कपड़े तो नए नए कहाँ से लेके आ गया? अच्छा आपका नया शो आ जाता है तो मेरे नए कपड़े नहीं आ सकते? अरे मेरा तो मेहनत का है। अच्छा किसी भी जगह पे चला जाए, पिलानी इसे चाय है। चाय पिला फटाफट चंदू। आपका नौकर नहीं हो जो आपको चाय नहीं पिलाऊंगा। आपको चाय पिलाऊंगा, आप मेरे कस्टमर हैं। अच्छा? लेकिन पैसे लेकर। कितने पैसे? कितने पैसे? 50,005 रुपए। इतनी महंगी चाय? हाँ जी 5 रुपए की चाय और बाकी का पुराना हिसाब। पुराने से याद आया पाजी, इसका मुंह देखो यूज की हुई टी बैग जैसा है। हेलो यार 5 रुपए दो, छोड़ो पुरानी बातें, क्या कर रहे हो? 5 रुपए औकात में रहा कर। पाजी ये पहला बंदा है तो सोनी टीवी पे भी सोना नहीं लग रहा है। देखो पाजी देखो, दुनिया चांद पर पहुंच गई, आज भी ये यही बातें कर रहे हैं। तू ये चांद वाली बातें छोड़, तू ये सोच रात को खाना कैसे खाना है, अपना दूध वाला पतीला बिल्ली से कैसे बचाना है। बिल्ली तो फिर भी छोड़ देगी, आप जैसे बागड़ बिल्लों से कैसे बचाना ये सोच रहा हूँ मैं। पाजी कोई बात नहीं, जब मैंने दुबई जाना सारे अमीर रोल करने मैंने वहां पे। ओ यार ये जरूरी थोड़ी कि आपका मुंह ऊंट जैसा तो आप दुबई चले ही जाओगे। पागल आदमी है, 3 महीने घर पे बैठा तो कुछ ढंग का काम कर लेता। हाँ शादी की है मैंने, 7 साल का मेरा बच्चा भी है, ये देखो फोटो भी लेकर आया हूँ साथ में, ये देखो। वाह क्या बच्चा है, लगीनदार इंसान का बच्चा, पूरा इस पे गया है। मेरी बात सुनो, बड़ा सीधा साधा मेरा बच्चा है, इसको कुछ नहीं कहना आपने। सब मेरी नानी ने बताया तेरे बच्चे के बारे में। वो पाजी दिखता है बच्चा है, बातों में इसका बाप है वो। अच्छा पाजी इनसे कहीं अच्छी बातें करता है मेरा बेटा। अच्छी बातें तो बहुत करता है, मैंने सुना है, मेरे को सब पता है। आपको पता है इसकी फोटो लेके ना सड़क पर चला जाता है, लोगों से भीख मांगता है, कहता पैसे दे दो मेरे को बाप का मुंह ठीक करवाना है। पाजी वो थोड़ा सा केयरिंग है थोड़ा सा। चलो जैसा भी है ये हमारा रिलेशनशिप है। आप ये बताइए इतने सालों को मैं यहाँ क्या करने आए? अपनी नानी के यहाँ आया हूँ। तेरे को प्रॉब्लम कोई? शांति से रहना चाहता हूँ। बाहर का शोर शराबा मेरे को पसंद नहीं है। आप शांति ढूंढने यहाँ आए? फिर तो आप बहुत अच्छी जगह है पाजी, इससे ज्यादा शांति इसे कहीं भी नहीं मिल सकती। आज देख लेते हैं। चलो जी ठीक है। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ मुझे इस डॉक्टर से बचाओ, अरे बचाओ मुझे इस डॉक्टर। पागल हो गया लोग बोलते डॉक्टर साहब बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ, आप कह रहे डॉक्टर से बचाओ। अरे डॉक्टर बहुत पागल है, एक आदमी को जुकाम उसकी नक काट दी। तो आप क्यों भाग रहे हो? अरे मुझे तो जुलाब हुआ है। निकलो तशरीफ बचाओ अपनी। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मरीज भाग गया। कैसे डॉक्टर है आप? कोई मरीज को जुकाम होता कोई इसकी नाक काटता है? आप जुकाम वाले मरीज का अगर मैं हाथ काट दूं और भी बुरा लगेगा। इसको लगाओ वहाँ पे जाके। आप कौन है? मैं कपिल। अरे कपूर, मैं डॉक्टर में शुरू लाते याद है? हाँ याद है, जब तू छोटा सा था तब यहाँ पे कुत्तों की रेस हुआ करती थी। हाँ और आप हमेशा जीतते थे। तो नहीं पहनना। एक बार याद है तेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ था? कीड़ा नहीं लगा, मेरे दांत में चॉकलेट थी, आपने निकाल के खा ली थी। तुम नहीं बदले। चलो छोड़ो। नहीं छोड़ो नहीं, कुछ और पूछो, मजा आ रहा है। मजा तो तुमको आ रहा है, बेइज्जती तो मेरी हो रही है ना। अरे बेइज्जती से याद आया, आपकी बेटी कैसी है? बेइज्जती से कैसे याद आ गया यार? उसका मुंह थोड़ा ऐसा ही है। वाह नहीं, मुंह ऐसा नहीं, अब तो वो हीरोइन हो गई है भाई। अच्छा मैंने तो सुना अभी भी 2.25 फीट की 3 नंबर की चप्पल पहनती है। वैसे मैं उसकी हाइट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन बना रहा हूँ, कार्य प्रगति पे है। अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मैंने 4 सीटर हॉस्पिटल खोला है, आना कभी। 4 सीटर हॉस्पिटल? 4 सीटर तो टैक्सी होती है, वही बेच के तो लिया है। डॉक्टर साहब जल्दी आओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लव एट फर्स्ट साइट। और नर्स, तुम्हें कितनी बार कहा कि प्राइमरी तो कुछ सामने नहीं आना। ये तो भले आदमी लगता है, ये अपनी बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी आओ, मरीज को होश आ गई। हाँ मरीज को होश आ गई, जल्दी छुप जाओ भाई, छुप जाओ, मरीज को होश आ गई, डर लगा मारेगा। अरे मरीज को होश आया तो अच्छी बात है ना, आपको क्यों मारेगा? अरे साइकिल का पंचर लगवाने आदमी को बेहोश करोगे तो बाल में उठ के मारेगा ही ना। आपको शर्म नहीं आती? आदमी साइकिल का पंचर लगवाना है, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया। मैं क्या करता है यार, सवेरे सवेरे बोनी का टाइम था, मैंने कहा चलो पहले हॉस्पिटल की बोनी कर लेते हैं। ये डॉक्टर होके साइकिल रिपेयर करते हैं? वो तो इसका पार्ट टाइम जॉब है, इसका फुल टाइम जॉब चाबी बनाने के लिए। हाँ तुम कहो तो तुम्हें किसी की भाभी बना दूं मैं। चाबी बनाते हैं भाई, टैलेंट है हमारा। चाबी बनानी थी तो हॉस्पिटल क्यों खोला भाई? वो तो क्या था, हॉस्पिटल बंद था, मैंने उसकी चाबी बनाई, खोल दिया, तब से इसी मोहल्ले में डांट कर रहे हैं। मैं शायद डॉक्टर मशहूर लाते। ओके आई एम द डॉक्टर। खूबसूरत तो वो है ना, आई एम द डॉक्टर। क्या हो गया फिर? ये मैं 4-5 दिन नहीं ना आया तो फिर कौन सी बड़ी बात होगी यार? अरे शट अप, आप शाम को क्या कर रही हैं? ये ऑपरेशन कर रही हैं। क्यों ऑपरेशन आप कर रहे हैं? ये तो फ्री है ना। हम कोरस में ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर साहब कोरस में गाना होता है, ऑपरेशन कहाँ होता है? नहीं होता है, मरीज लेटा हुआ है, मान लो मेरे को ऑपरेशन नहीं आता, ये फैक्ट है। तो उसके बाद हम लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं। सुनो कहो, सुना कहा कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तो नहीं। उसके बाद तो क्या होता है, ये बचना बचाना सब भगवान के हाथ में होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं इंसान के रूप में। चलो नर्स डार्लिंग। How many times do I tell you? Not darling, sister. सिस्टर होगी तो अपने भाई की। चलो रुको नर्स, मुझे कुछ हो रहा है। अब घबराओ मत, मैं हूँ। उल्टी आ रही है, सीधी करो इसको। अरे मैं भी चलो आ जाओ, सीधी करो। अब मरीज को खतरे में छोड़ के ऐसे कैसे जा रही हैं आप? क्या हुआ आपको? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये कैसा चक्कर है? ये थोड़ा नॉटी चक्कर है। जल्दी आ जाओ नहीं तो चक्कर चल जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस डॉक्टर के साथ क्या कर रही हो? उसका दिमाग खराब है। मेरी एक बात सुनो, इसको छोड़ो, मैं तुम्हें अच्छे से सलून में नौकरी लगवा के देता हूँ। सलून? हाँ? नहीं नहीं नहीं, पहला मैंने ना ये बुटीक में काम करती थी, वहाँ डॉक्टर आके बोला कि आदमी को सिलना और कपड़े को सिलना एक ही बात है, तो अभी मैं यहाँ काम करती हूँ। आप भी यहाँ ज्वाइन करो ना। अच्छा, हंसी आए ना, मजा आ रहा है। लेकिन ये तो पहले आप बुटीक में काम करती थी। हाँ। तो हमारे लिए एक सूट ही सिल दो ना थोड़ा सा। हाँ क्यों नहीं, कैसे चाहिए? ऐसे डीप नेक बैकलेस सूट, कुछ गजब का। जेंट्स में ऐसे कैसे होता है? अरे हम आपके लिए बनवा रहे हैं। पर हमें क्यों जेंट्स सूट पहना है? दो चार इंजेक्शन अपने दिमाग में लगाओ, समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा लाइन मार रहा हूँ मैं, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा। खबरदार खबरदार, अगर लॉटरी को आपने कुछ कहा तो आप लॉटरी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा बड़ा प्यार है इनके साथ, 3 साल से जानता हूं इनको मैं, लेकिन मैं इसको बचपन से जानता हूं, इसके चक्कर में मत पड़ना। बचपन में नाक में उंगली मारता था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अकेला मार तो सारे मारते हैं वो तो। हाँ तो उसके बाद मुंह में कोई नहीं डालता। ये क्या बात हुई? बात होना हो, तेरी बेइज्जती तो हो गई कि नहीं? देखो मैं लॉटरी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको पता है मैंने इनसे 2-3 लेडी सूट भी सिलवाए हैं। हाँ, और पहनते भी थी। पक्का पहनते थी? हाँ। सब तो सूट पहनते थी। इतनी खूबसूरत लड़की में लाइन मार रहा है। ओहो, सारी बातें नहीं बतानी होती, 3 मैजिकल वर्ड बोलो जिनको सुनकर मैं खुश हो जाऊं। हाय हाय। ओह चंदू चाय लाना। चलो चलो पार्टी आदमी। अरे सुनो, गिलास धो के लाना, मलाई मार के लाना। वैसे इंजेक्शन वगैरह भी लगा लेती होंगी आप, मेरे पास बहुत खाली जगह, कभी लगाइए ना। डैडी डैडी You know him? Of course I know him. मेरा बचपन का boyfriend है। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर जाके डैडी को बुला कर लाओ। Go. वो देखो, उसकी एग्जिट पे भी मजा आता है, इसकी एंट्री पे भी मजा नहीं आया। कपू। क्या कपू कपू कपू? कौन हो तुम? तुम भूल गए, हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। पढ़ता मैं था, तुम तो मुर्गा बनी होती थी रोज। पढ़ते तुम बिल्कुल नहीं बदले। अरे तुम इतने टाइम तक तुम नानी के घर क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए थे? मुझे भूल गए थे। हाँ भूल गया था मैं। तूने आज भी वही व्हाइट जुराबे पहनी है ना? पहचान गए तुम? पहचानूंगा कैसे नहीं, सेम बदबू 20 साल पुरानी वाली। मजाक करना छोड़ोगे? चैनल ने इतना खर्चा किया, हम मजाक करना छोड़ दें? खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी को छेड़ा तो छेड़ू लाल। और मैं आपकी बेटी को नहीं छेड़ रहा हूँ, आपकी बेटी मुझे छेड़ रही है। बेटी तू छेड़ रही थी, तू बड़ी होगी मेरे को बताया नहीं तूने। वाह मेरी बेटी सरला, मेरी बेटी सरला। डैडी मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई। वाह दिया। एक सेकंड, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मेरे को उनको देखना जिनको हरा के आई हो तुम। खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो तूने, मैं देखने में जितना मासूम लगता हूँ उतना मैं मासूम हूँ नहीं। हाँ, बकरी की किडनी लगी है ना पापा को। ये बोल के तूने मेरा सारा रोब खत्म कर दिया। बकरी की किडनी क्यों लगवाई आपने? बकरी की किडनी क्यों लगवाई आपने? तेरे को इतने जानने का शौक है तो तू लेट क्यों आया? मैं ऑडियंस को पहले बता चुका हूँ यार, अब मैं दोबारा बताऊँ तेरे लिए? सही है सही है। मैं ये कह रहा था, अगर मेरी बेटी की तरफ तूने जरा भी गंदी नजर डाली तो मैं सबकी नजर के सामने तुझे वहां से काटूंगा, जिगर के पास। और अगर किसी ने बता दिया कि कोई भी मेरी बेटी के पास रहता है वो हो तुम, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना। मैं भी कुमार शानू बन जाना फिर। मेरी बात सुनो। हाँ। मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं क्यों करूंगा इससे शादी? इतनी सी तो है ये। हैं? मैंने इसको हाइट बढ़ाने का इंजेक्शन लिया। देखना मैं सिद्धू साहब से इसकी शादी कर दूंगा। रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। सिद्धू साहब की शादी हो चुकी है गुलाटी साहब। अच्छा, मुझे लगा इतना हंसते रहते हैं अभी तक कुंवारे ही होंगे। चलो बात ठीक है। डॉक्टर साहब पेशेंट भाग रहा है। टांगे तोड़ा के पेशेंट भाग रहा, देखते हैं कैसा लगता है भाई। आयो आयो डैडी, डैडी आई। कप्पू कप्पू नानी, ए कप्पू कप्पू नानी। सीढ़ी उधर है, इधर है और बीच में कुछ नहीं है। पता है पता है। आजा नानी, कैसी है? जीता रहे जीता रहे। बैठ 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 बैठ, मैं तेरी आरती उतारती हूँ। 1 2 3 4 बस, पता है मुझे। उधर है। अरे कहाँ टिक्का लगाई जा रही है? तेरी खोपड़ी इतनी नरम कैसे हो गई? अरे इधर नानी में हो गई मेरी आरती। छोड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मोहन, ये टॉयलेट का धंधा रोकना पड़ेगा। सर मेरे यहाँ पे आके कोई रोक ही नहीं सकता। सर आपने भी नहीं रोका। शांत रहो शांत। तुम्हें पता है मेरा नाती आया है। नानी तुम्हें पता है कि छोटा हाथी आया है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप जरा तमीज से बात कर लीजिए। मैं कोई छोटा मोटा हाथी कोई छोटा मोटा पुलिस वाला नहीं हूँ। आई एम DIG। ओह दामोदर, पर तू DIG कब से बन गया? अरे नानी मेरा नाम है दामोदर ईश्वरलाल गायतोंडे, इंस्पेक्टर DIJ। तो शांत रहे, ज्यादा चिल्ला मत। तुझे पता है मेरा नाती आया है। हेलो हेलो हेलो, हाय नाटी। माई सेल्फ मोहन, मोहन लेटरिन सर्विसेज, सोल प्रोपराइटर। हट सर, आप भी आइए कभी मेरे लेटरिन में सर। हट सर, मोहन लेटरिन घर जैसा लेटरिन सर। इस मोहल्ले में सभी लोग मेरे घर आते हैं हल्का होने के लिए। ओनली 5 रुपीज पर प्लेट, सॉरी पर हेड। सर हमारा कोई ब्रांच भी नहीं है, धोखे से बच के रहिएगा। ओनली 1 ब्रांच। तुम लोगों का मजबूरी का फायदा उठाते हो। बंद करना पड़ेगा, ऑल दिस हैज टू क्लोज। सर कुछ बंद मत करो सर, ये मेरा ब्रेड बटर है सर। मेरे मतलब मैं इसी का खाता हूँ सर। क्या मतलब सर प्लीज बस करो सर, ऐसा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। किधर है सर? खबरदार अगर अपनी जगह से हिले अब तुम। अरे अभी मैंने बोला नहीं जा सकते। सर आप जाने वाले को रोक सकते हैं, लेकिन जाने वाले को जो आने वाला है उसको नहीं रोक सकते सर। आपका बंदूक देख के मेरा प्रेशर बढ़ गया सर। मैं आपको हफ्ता पहुंचा दूंगा सर, मेरे जाने दे। टाइम पे हफ्ता पहुंचा देना, वरना पूरे मोहल्ले में डायपर बांट के तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। नानी ये है कौन? मेरे बारे में पूछ रहे हो? दुबई की पुलिस में 2 साल काम किया है मैंने। वहां पे बड़े बड़े ऊंट की पीठ सीधी कर दी मैंने। वाह। अरे आप जिसकी पीठ पे बैठे वो सीधे ना वहां से हो सकता है? ये तो कुछ भी नहीं है। उस दिन बॉर्डर पे मैं अकेला पहुंच गया। क्या बात कर रहे? फिर क्या, टिकट काटा, अंदर एसी में आराम से बैठ के पूरी फिल्म देखी, धरती मेरी माँ। और आज जितनी भी शांति इस मोहल्ले में ना, इनकी वजह से है। सारा आप बैठिए, कुछ लेते क्यों नहीं है? पूरे मोहल्ले से हफ्ता लेता ही है, और है भी बड़ा बदतमीज। कई बार तो हफ्ते में 3 दिन हफ्ता ले जाता है। Why is it so noisy? अरे मेरे को खुद बड़ा। चलो कहीं भाग चलते कहीं। मैं भी बहुत तेज भागती हूँ। तो भाग यहाँ से। खबरदार अगर इससे बदतमीजी से बात की तो। नहीं, इनको कुछ हुआ तो मैं नस काट लूंगी। खबरदार अगर मेरी नस को काटा दो। डैडी, मैं अपनी नस की बात कर रही हूँ। ओह, लेकिन इलाज कराने आओगी, मैं पैसे पूरे लूंगा। बेटी अपनी जगह, प्रोफेशन अपनी जगह। ये बात है बेटा, ये मेरा असूल है भाई। अगर ये बात है तो बेटी के लिए हमारे दिल में भी जगह है। क्यों भाई, तुम भी इसको अपनी बेटी समझते हो क्या? अबे बुड्ढू, डंडा उठा के घुटने से ऐसे मारूंगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि पढ़ने कहाँ से वाली है। ए! मेरे डैडी से ठीक से बात करो, तमीज से बात करो। अरे चिल्ला क्यों रही है गुटली? नानी मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? मेरी नानी से ऐसे बात करती है। खबरदार मेरी अगर बेटी से ऐसे बात की तो। आप लोग जस्ट स्टॉप फाइटिंग यार। तू चुप कर। खबरदार अगर मेरी जान को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डॉक्टर, शांति से बात कर। तू शांति से बात करिए। शांति से तो बात कर रहा हूँ मैं। शांति से कोई बात कर रहा है क्या? पागल औरत, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। शांति, 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 शांति। एक मिनट, मैं कब कितनी देर से क्या कर रहा हूँ? यही तो कह रहा हूँ, शांति, शांति करो, शांति कर पुत्रे, शांति। ये मोहन टॉयलेट दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे इस पे लिखा है मोहन टॉयलेट ऑपोजिट सिद्धू पाजी, और सिद्धू पाजी तो यहाँ। नमस्ते सिद्धू पाजी। हेलो, हेलो, यस, हाँ कौन? अरे नहीं यार, हाँ, अरे नहीं यार, वहाँ पे ना वो मुन्ना का उधार बड़ा हो गया था, मैं नानी के घर शिफ्ट हो गया हूँ। कौन मुन्ना ही बोल रहा है? तो मेरे फोन पे हरामखोर लिखा क्यों आ रहा है? तो मैंने सेव किया होगा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया मर जाएं। अरे टाइगर और श्रद्धा के लिए बहुत प्यार हो गया। हाउ आर यू टाइगर? हाउ आर यू श्रद्धा? अरे क्या बात है ये? तुम यहाँ कैसे? अरे 2 महीने से ऐड चल रही, तुम्हें नहीं पता? पाजी, आपने बागी का ट्रेलर देखा? क्या कमाल का काम किया है, और कमाल का स्टंट, कमाल का रोमांस, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। और टाइगर के स्टंट पाजी आपका दिल लूट लेंगे। टाइगर, यहाँ पे कोई स्टंट करने वाले हैं आप? सर उससे पहले मुझे, क्या बात है, छोटी उंगली से स्टंट करेंगे? क्या तोड़ के दिखाएंगे इससे आप? गलत समझे आप। आई एक्चुअली ज्यादा पानी पी ली थी सेट पर, तो आई हैव टू रेडी। पानी पीना अच्छा बात है, और मंगवाओ पानी आपके लिए। जी निकालनी भी तो पड़ती है। अच्छा ये बताओ आपका वॉशरूम कहाँ है? हमारा, हमारे घर में तो वॉशरूम है, लेकिन वो मेरी नानी सो रही है अंदर। ये डॉक्टर है ना, उसने उसका ऑपरेशन खराब कर दिया बेचारी, तो वॉशरूम में सो जाती है, बेडरूम में कपड़े धोती है, परसों वॉशिंग मशीन में आटा गूंथ रही थी, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। पर आपको ये कार्ड किसका है? ये मोहन शौचालय ऑपोजिट सिद्धू पाजी। ऑपोजिट सिद्धू, अरे ये तो अपना। ए मोहन, क्या इतना चिल्लाता है? धंधे के टाइम में जोर जोर से चिल्लाएगा, 2 कस्टमर भागने वाला था। श्रद्धा कपूर, हम टाइगर श्रॉफ। नमस्ते। नमस्ते। माई सेल्फ मोहन, मोहन लेटरिन सेंटर का इकलौता मालिक। हेलो। इंट्रोडक्शन देखो कैसे दे रहा है, जैसे बड़ी एयरलाइंस का मालिक है। लेके जाओ टाइगर भाई को, अंदर लेके जाओ। वॉशरूम जाना है। वॉशरूम प्लीज। सॉरी सॉरी, इनको नहीं लेके जा सकता। क्यों? पूरा फुल है, और एक जो खाली है उसमें कुंडी नहीं है, कुंडी में उंगली डाल के बैठना पड़ेगा। अरे बोलता तो ऐसे जैसे बड़ा हाई फाई बाथरूम, तो कुंडी नहीं लगवा सकता अंदर? अरे कुंडी की क्या जरूरत है, वैसे भी अंदर कौन सा खजाना है जो लूट जाएगा। यार ये डिस्कशन बाद में करना, पहले टाइगर को अंदर लेके जाओ आप। मैडम। हाँ जी। मैं इनको लेके जाता हूँ। ओके। आप जरा ये फॉर्म एकदम करेक्टली प्रॉपरली भर के देना। फॉर्म क्या भरना है? साल भर के लिए एडमिशन थोड़ी ना लेना है, 2 मिनट का काम है यार। कस्टमर फीडबैक फॉर्म है, इससे क्या होगा, अपना सर्विस बहुत अच्छा होगा इसके बाद, है ना? आइए आइए, संभाल के उधर तक। ये साइकिल लेके जाओ ना साहब का साथ में। साइकिल को भी आया। सिद्धू भाई जी, अभी ना हाल ही में श्रद्धा के जो पापा हैं शक्ति कपूर साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि मैं आने वाले 3 साल में श्रद्धा की मैंने शादी कर देनी है, मैं नहीं चाहता हूं ये आके 40s में करे। तो आपके इसके बारे में क्या विशेष विचार व्यक्त करना चाहेंगे आप? मुझे ये बात पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। तो पापा इंटरव्यू में बोलते, घर नहीं बात करते? नहीं। बड़ी छुप छुप के इंटरव्यू देते हैं, घर वालों को बताते नहीं। अच्छा, अगर वैसे ही आपको अपने लिए कोई लड़का चुनना हो, कैसा लड़का चुनना पसंद करेंगे आप? व्हाट काइंड ऑफ मैन यू वांट इन योर लाइफ? मे बी शायद ही कैन बी लाइक यू, जो मुझे हंसा सके। हंसा सके जो? सही जा रही हो आप। How are you feeling now? How are you? Okay. मैं बिल लेने को गया, आप इधर आ गया। मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ एक्सेप्ट करता है, और आपके लिए तो मैं आपका शादी का कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेगा। बताओ ना कितने पैसे तुम्हारे मुंह में मारता हूँ, फालतू में डिस्कस कर रहा है। कितने? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपए तो पूरा। 1 लाख रुपए अंदर वाईफाई यूज किया, वाटर यूज किया, लाइट यूज किया, पॉपकॉर्न भी दिया था। बाथरूम का फिल्म देखने गया था टाइगर। ये कितना घटिया आदमी, मेहमान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम। अरे वो लोग कौन से मेरे घर आके अच्छा काम करके जाता है, हैं? देखो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या? या तो पूरा 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, या तो फिर सेलिब्रिटी क्लॉज के हिसाब से मेरा ऐड करना पड़ेगा। ऐड? बोलो, 1 लाख रुपए देगा या फिर ऐड करेगा? कर दो यार इसकी ऐड भाई, ये हटेगा नहीं। करेगा ऐड करेगा। कैसे, क्या करना है ऐड में? कुछ नहीं, मेरे बहुत अच्छा गाना लिखा है, एकदम तैयार किया हुआ है। आप ये गाना गाइएगा और टाइगर जी आप जरा परफॉर्म करने का, चलेगा ना? ओह अच्छा। तो आज पहली बार हमारी इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे आपकी टॉयलेट का ऐड करेंगे। चलिए मोहन जी, अभी दबा जाइए आप। कैसे कैसे ऐड करवा रहे हैं आप? इन्होंने मेरे लेटरिन के लिए मूड वॉक किया। अयो थैंक यू एक बार टाइगर और श्रद्धा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टाइगर को सबसे पहले तो इस बात की मुबारकबाद कि इस फिल्म में टाइगर की जो दाढ़ी है वो डेब्यू कर रही है। क्योंकि फिल्म हीरोपंती जब कर रहे थे, टाइगर बहुत छोटी एज है अभी, तो तब इनकी दाढ़ी आई नहीं थी हीरोपंती में, तो लोग पहली फिल्म के बाद गाड़ी लेते हैं, इन्होंने दाढ़ी ले ली है। तो टाइगर आप ये बताओ, आपके फैंस जाना चाहते हैं आप कितनी देर बाद शेव करते हो? जी मैं शेव नहीं करता हूँ, हकीकत है, क्योंकि डर ये है कि अगर दोबारा आने जाए तो तो मतलब आपको डरा कि दोबारा हो सकता है वापस आए ना आए? बिल्कुल, बिल्कुल। पर नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, कमाल के लग रहे हैं दोनों। अच्छा, आपको पता टाइगर और श्रद्धा एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। टाइगर, श्रद्धा बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। तो स्कूल में इन पे लड़के लाइन वगैरह मारते थे? हमेशा। जहाँ तक मुझे याद है मैं तो कोने कोने से देखता था हमेशा। आप कोने कोने से क्यों देखते थे? बहुत शर्मा था इसलिए। अच्छा, और अभी मेरी किस्मत देखो। आई एम सो लकी कि आज मुझे एक मौका मिला इनके साथ काम करना। एंड मैं श्रद्धा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे बड़े ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शी सच अ सिंपल लड़की है, और नो स्टारी टेंशन्स नथिंग, और इतनी हार्ड वर्किंग, मेहनती है, बहुत ही इंस्पायरिंग एक्टर है। तो श्रद्धा कपूर आई लाइक। टाइगर इसलिए भी पहले छुप छुप के देखता हूँ ना, कौन जाए शक्ति कपूर की बेटी पे लाइन मारने। आदमी को डर तो लगता है, आम आदमी को नहीं भाई। आइए श्रद्धा, आप हमारे नए सोफे पे, टाइगर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। हमने इस टेबल भी रखवाया है, साबिर भी यहाँ पे मौजूद हैं। हीरोपंती भी इन्होंने बनाई थी, टाइगर को पहली बार जब लॉन्च किया था। और अब दूसरी फिल्म जो है बागी, ये भी साबिर ने डायरेक्ट की। साबिर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच। आपकी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी, अब दूसरी बागी रिलीज होने जा रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ट्रेलर बहुत ही धांसू लग रहा है। एडवांस में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। तो सर, आपने जिंदगी में सोचा हुआ टाइगर के अलावा काम नहीं करना किसी और के साथ? आई थिंक व्हेन यू हैव द बेस्ट, व्हाई लुक एट द रेस्ट। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है। तो बेसिकली बड़े स्वीट है एक्चुअली साबिर भी। और साबिर सर हमेशा रहते थे, स्माइल करते रहते थे सेट पे, तो सबको भी बहुत अच्छा लगता है। तीनों इतने स्वीट हैं, साबिर, टाइगर, श्रद्धा, कि इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। तीनों इतने स्वीट हैं, मिलके चाय भी बड़ी अच्छी बना सकते हैं, इतने स्वीट हैं ये। पर बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई। थैंक यू सो मच। कभी कभी ना मुझे लगता है कि टाइगर ना इतना शर्मीला है, बहुत शाही है, मुझे लगता है गलत दौर में पैदा हो गया टाइगर ना। एक्चुअली ना 50-60 साल पहले जो हीरो होते थे, जैसे राजेंद्र कुमार साहब या भारत भूषण जी, तो वो बड़ा शर्माते थे लड़कियों से। पर मुझे ये इस बात का पक्का यकीन है कि टाइगर अगर 50-60 साल पहले भी इंडस्ट्री में आता, इतना ही फुर्तीला, इतना ही टैलेंटेड होता। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि उस समय के गाने पे अगर टाइगर आज के दौर का डांस करे तो कैसा लगेगा। मैं प्लीज कैन यू हैव द ट्रैक प्लीज। मैं सोचता हूँ आगे अभी तो शुरुआत की टाइगर ने, आने वाले दिनों में हिरन तो डांस करेंगे ना, हिरन ऐसे करेंगे, हाय रब्बा। कमाल है ये टाइगर प्लीज। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। बागी फिल्म में एक गाना है जिसमें टाइगर और श्रद्धा बारिश में भीग रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है। श्रद्धा, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि फिल्म में बारिश जो है, बारिश में क्यों फिल्माया जाता है? इसलिए कि आर्टिस्ट को अच्छा फील हो या देखने वाले का मूड बनाने के लिए? आई थिंक दोनों रीजंस के लिए, कि आपको भी फील आए और देखने वाले को मजा आए। हाँ। दिखने में फाइनल जो सब देखते हैं वो बहुत सुंदर होता है और रोमांटिक होता है, लेकिन कभी कभी अगर आप एक रोमांटिक सीन कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि आप मूड में रहो, रोमांटिक मूड में, तो पानी, अगर पानी का कोई भरोसा नहीं होता किस तरीके से वो आपके मुंह पे आ जाएगा। नहीं, फिर अगर आप डायलॉग बोल रहे हो, कुछ रोमांटिक बोल रहे हो, सडनली ये ऐसे आ गया, मूंछ बन गई, और आप बोल रहे हो आई लव यू, एंड देन तो फिर ये सब, और हीरो बोल रहा है आई लव यू टू भाईजान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ खड़े जाओ खड़े जाओ। हां चलो जाओ 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 भाई, हंसो स्माइल एवरीबॉडी। ये क्या कर रहे डॉक्टर साहब? अबे बच्चे किसके हैं ये? सिद्धू साहब बच्चे कह रहे थे कि लायन के साथ फोटो खिंचानी है, मैंने कहा लायन के साथ नहीं हो पाएगा, टाइगर के साथ खिंचवा देता हूं। चलो बेटा चलो चलो टाइगर, आ करो थोड़ा सा, आ करो आ करो। अरे बच्चों को डर नहीं लग रहा यार, डरो थोड़ा सा। चलो आप करिए प्लीज टाइगर। डॉक्टर साहब का दिमाग खराब, बच्चों ने कहा लायन दिखाओ तो आप जंगल में लेके जाओ ना उनको, आप टाइगर को मिलवा ले आए। और रिस्की है ना, मेरी जान को भी खतरा है। 5-5 रुपए में मैं जान का रिस्क क्यों लूं? इससे 5 लिए, इससे 5 लिए, इसने तो मुझे कंचे दिए हैं। भाग यहाँ से, हट जा, चल भाग यहाँ से। चलो हो गया हो गया, तुम्हारे पापा को भेज दूंगा। आई एम ए वेरी रिप्यूटेड पर्सन, आई एम मशहूर डॉक्टर। हाय मशहूर कहाँ के? हम तो इनको जानते नहीं है। अरे अभी नया नया शो शुरू हुआ है, अभी तो नाम मशहूर है, धीरे धीरे मशहूर भी हो जाएंगे भाई। हमारे यहाँ और बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, buy 1 get free का ऑफर। ये मतलब ऐसा है कि अगर आप इनके हॉस्पिटल में बुखार लेके जाएंगे ना तो मलेरिया आपको मुफ्त में देंगे, इनके मच्छर बहुत है, ऐसा ही है। तुम ये ओवर एक्टिंग करनी बंद कर रहा, मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि मतलब मान लीजिए टाइगर आपको बुखार है तो श्रद्धा का इलाज हम फ्री में कर देंगे बुखार का। ये है। हमें बुखार नहीं है, हमें बुखार नहीं है। अरे जितना आप सब 13 गाने में दोनों भीगे, आपको तो निमोनिया होना बनता है। मैं तो फिर भी बुखार कह रहा हूँ। ये एक्चुअली ये बात हम पहले भी कर रहे थे, टाइगर इतना भीगा उस गाने में कि जैकी दादा को घर बैठे चीखे आ रही थी, आप कैसे कह रहे थे, आप भिड़ूच आप भिड़ूच। ये तो ऐसे थोड़ी जैकी दादा भिड़ू भिड़ू बोलते हैं, पर भिड़ूच करके छींक थोड़ी मारते होंगे यार। ये तो तुम फालतू बात कर रहे हो हंसाने के लिए। हमारे यहाँ एक स्पेशल ऑफर चल रहा है टाइगर, कि आप अपनी किडनी लेके आइए, हम पथरी उसके अंदर डाल के देंगे। आपका दिमाग खराब हो गया? पथरी कौन डालता है, पथरी निकालते हैं हम, किसी का कुछ नहीं निकालते जी ना। आप लेके आइए, हम अपनी डालेंगे, अपनी निकालेंगे। और एक बहुत ही अच्छी चीज है, डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं, अनपढ़ लोग बीच में हंस रहे हैं पागल। मैं आपको नहीं कह रहा मैडम, आप तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही हैं, वो आपके जो पीछे बैठे हैं, आइए हमारे क्लिनिक में, आपके बाल स्ट्रेट कर देंगे। डॉक्टर साहब वो अपना स्पेशल वीआईपी जो ऑफर दे रहे थे। हाँ मैं कह रहा था, एक डॉक्टर साहब बता क्यों रहे आप ऑफर? अरे बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब, अब ऑफर तो बताइए उनका क्या है आपके पास? ऑफर ये है कि मतलब आपको, अगर आप अपनी सीट पे जाइए, मुझे बहुत भरोसा नहीं आप पे, और फिर ये है कि 30% अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं इन एडवांस तो आपको छींक आएगी तो हमारा आदमी नीचे ना रुमाल लेके खड़ा रहेगा। कैसे? कैसे मतलब कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओए ये फंस गया, ये फंस गया। जैसे टाइगर, अगर मान लो आपको छींक आ रही है, अब छींकिए छींकिए आप। अरे आपकी तो छींकने की टाइमिंग ही बड़ी अच्छी है, साफ है बड़े, आप तो कुछ है ही नहीं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हाँ जी, जैसे स्पेशल पैकेज में आप अगर कोई छींकता है तो रुमाल आगे कर देते हैं, अगर किसी का पेट खराब हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम लाल लंगोट बांध देते हैं। लाल लंगोट से क्या होता है? लाल लंगोट से जो ट्रेन रुक जाती है तो वो तो रुकेगी। सही बोला। जितू साहब ने भी प्रिस्क्रिप्शन ली हुई है। श्रद्धा आप इतनी टैलेंटेड हैं, फिल्मों में अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर रही हैं? आप मेरे हॉस्पिटल में नर्स बने। कहाँ लाइफ वेस्ट कर रही है, वो इतनी बड़ी स्टार है वो। नहीं धक्के खा रही है फिल्मों में यार, मेरे को पता नहीं। हमारी नर्स बने बहुत अच्छा है। कहाँ धक्के खा रही है यार, इतनी बड़ी सुपरस्टार है वो। अरे मैंने देखा बाहर 5000 लोग धक्का मुक्की कर रहे थे यार। अब तो वो इनके फैन है ना। फैन तो शाहरुख खान की है यार। दिमाग मत खराब करो मेरा। श्रद्धा नर्स कैसे बनेगी, उन्होंने कोई डिप्लोमा थोड़ी ना किया है। अरे यार डिप्लोमे की क्या जरूरत है, शादी से पहले आदमी बाप बनने का डिप्लोमा थोड़ी करता है। देखो मैं तुम्हें आज, तुम्हारा मान लो पहला दिन है ट्रेनिंग का, खड़े हो जाओ। अच्छा आओ जी, आओ। ये टोपी है, ये टोपी पहन के अच्छी लग रही है, मैचिंग टोपी है ड्रेस के साथ। आप देखो तो अभी यहाँ पे आप बैठ के इधर आइए, ये थोड़ी सी चंपी कर दो मेरे सिर पे। आहा, थोड़ा ऐसे ऐसे करो, वो जो भाई ये आशीर्वाद नहीं देना, चंपी करनी है। आहा बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं जुए दिखे तो शिकार कर लेना। करो प्यारी ना। अच्छा श्रद्धा वो गाना सुनाओ यार, वो जो सुन रहा है ना तू, हंस रहा हूँ मैं, वो वाला। रो रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हारे जैसे नर्स है कोई क्यों रोएगा भाई। हैं चलो आओ हॉस्पिटल में चलते हैं, आ जाओ। ओके आ जाओ। कहाँ ले जा रहे इसको? हॉस्पिटल लेके जा रहा था जी। एक मिनट, माँ का दूध पिया है तो टांग नहीं, हाथ चला के दिखाओ। तुमने दूध पिया बे पिया। एक काम करते हैं, मान लो अभी फाइनल चीज है, तुम नर्स तैयार हो गई हो, मैं डूब रहा हूँ। अच्छा। और तुमको मुझे ऑक्सीजन देनी है बाद में निकाल के, ठीक है? ये मेन चीज है। ओके अब आप मुझे श्रद्धा ऑक्सीजन दे दें। ऑक्सीजन दे दें मुझे। दे दो ऑक्सीजन, जल्दी करो दे। बस 32 ठीक है, इससे ज्यादा मत करना। ये तो बहुत गैस इकट्ठी होगी, मैं अंदर सिलेंडर में भर के आया। बेटी सर अपना सिलेंडर निकाल, मैं उसमें गैस भरता हूँ, 5 से 3 लीटर पानी तो मैं उबाल दूंगा। समझता क्या है तू अपने आप को, बोल। अरे ऐसी जगह पंक्चर करूंगी कि हवा कहाँ से निकल रही पता भी नहीं कर पाएगा, पैसा मांगता मुझसे है का तू। मास्टर जी कहाँ हो भैया? पैसे चाहिए तुझे? और चाहिए? एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं इसको जूडो सिखाया, कराटे सिखाया, अभी पैसा मांगता है तो ये मेरे कान के नीचे बजाती है। अरे झगड़ा सिखाएगा तो झगड़ा ही करेगी वो। अरे तुम अपना भाषा में बात करो। तुम भी तो हिंदी में बात करो, मुंह खींच के बोलता है। ओ टाइगर, श्रद्धा, हाय, हेलो। आची ये क्या था? ओ कुछ नहीं, मेरे को छींक आ गया। अरे मैं क्या सुन रही हूँ? टाइगर श्रॉफ आया है? हाँ नानी, टाइगर आया। हाय नानी। वाह कप्पू, वाह, तूने मुझे बताया तक नहीं कि मेरा टाइगर आया है। टाइगर कहाँ है तू, जरा आवाज तो दे। हाय नानी। अरे मेरा बच्चा टाइगर। अरे टाइगर, तू इतना सॉफ्ट कैसे हो गया? टाइगर की तो बाल भी लंबी हो गई। वाह मेरा टाइगर, टाइगर तेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी उग रही है। ए, नानी तेरे हाथ के बाल है ये। हा? तेरे अपने हाथ के बाल हैं। मैं श्रद्धा हूँ। पता है श्रद्धा शक्ति कपूर की बेटी। आओ श्रद्धा, हेलो, कैसे मेरे बच्चे? गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तुझे पता है इसका नाना तेरे बाप का कितना बड़ा फैन था। उसने तो मेरा नाम भी रख दिया था, ललिता। रोज शाम को मुझे बुलाता था, आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता। क्या ना टाइगर, मेरी ना ये नानी का ऑपरेशन खराब कर दिया डॉक्टर ने, तभी थोड़ा थोड़ा दिखता है इसको, तो थोड़ा आवाज पकड़ती है ये। तो ऑपरेशन आंखों का हुआ है, जेब का तो नहीं हुआ है। जेब से पैसा निकलता है, पैसा निकालो। अरे खाएगा पैसा, सिखाया ही क्या इसने मुझे, पूछो तो सही। ओ तुम लोग को शायद मालूम नहीं है, मैं जैकी श्रॉफ को भी कराटे सिखाया है। जैकी श्रॉफ तो कराटे करते नहीं, अभी मैंने सिखा दिया। वो बड़ा आदमी है, उसका मर्जी, करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। आपने मतलब जैकी दादा को भी सिखाया है? आपका वीक ऑफ बर्थ क्या है बाय द वे? वीक ऑफ बर्थ नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। नहीं ये एक डेट का काम नहीं है। ये तो प्रोसेस है पूरा। अरे कप्पू, इसने मुझे जितना सिखाया नहीं उससे ज्यादा तो इस कव्वे को मैं खाना खिला चुकी हूँ। क्या इतना ज्यादा खाना खा ले फिर भी पैसे मांग रहा है? एहसान हरामखोर, पूछो मैंने एहसान फरामोश क्यों नहीं बोला। मैं कुछ भी पूछेगा तुम उसका आगे पंच बनाएगा। मैं पंचों का राय लेने नहीं आया, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, पैसा दो। अरे यहाँ श्रद्धा आई है, टाइगर आया है। तुझे आता क्या है बता 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 बता। मेरे को जूडो आता है, कराटे आता है। अरे सुन, जब बुखार आए तो मेरे पास आ जाया कर। ठीक है, ये तो मेरी पड़ोसन ये बुढ़ी है, वरना अगर श्रद्धा जैसी होती तो मैं तो दिन में 10-10 ऑपरेशन करता। बुढ़ी होगा तेरा बाप। मेरा बाप? तुझे पता है आज भी रोज सुबह मैं 1000 ढंड बैठक मारती हूँ। तभी तुम्हारी बैठक सूजी हुई है। मजा ही आ गया। बस तू भी हंस रही है श्रद्धा, ठीक है। टाइगर आ मेरे पास, आ आ बेटा मेरे पास आ। टाइगर इधर है। हाँ पता है, पता है। टाइगर कुछ टाइगर आ, टाइगर आ, बता देते इसको किधर है वो। ज्यादा गले मत लगाओ, पर्स निकाल लेगी है। उसको बता देते कि बुड्ढी की हड्डियों में कितनी ताकत है। नाचते नाचते सांस फूल गई, मैं घर जाती हूँ। अरे नानी, अरे नानी। अरे पेड़ है वो। पता है, मैं नमस्ते कर रही थी पेड़ को। आप भी नमस्ते करो। नमस्ते सब करो। ओए यार, तुम्हारा नानी तो अभी भाग गया, मेरा पैसा कौन देगा? किस चीज का पैसा पहले इनको बताओ, हमारे गेस्ट हैं उनको बताओ। तुम्हें आता क्या? जूडो आता है। ये कैसा जूडो है? ये जूडो नहीं है, ये जूड़ा है। जूड़ा को एक बार बांध लो, क्योंकि क्या है कभी कभी सामने वाला बहुत जंगली होता है, बाल खींच खींच के मारता है। ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या क्या सिखा रहे हैं आप। टाइगर के साथ करके बताओ। ओके अभी ऐसा सोचो, ओके है और श्रद्धा, दो दिल एक जान है, ऐसा इमेजिन। अच्छा, और आप गुंडा है आपको आके अटैक करने का, ओके? ओंगा टिंग टिंग वांग चिंग रिंग चांग वांग 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 रिंग रिंग भूख निकल गई भूख। ये क्या था? उन्हें टाइगर ने आपके सर के ऊपर से लात निकाली अभी। और इतना पास से गया मेरे को लग जाता फेस पे कुछ हो जाता। इतना नजदीक से कोई मारता है क्या? ऐसा नहीं, ये वाला प्लान कैंसिल करेगा, दूसरा करेगा। अभी आप दोनों गार्डन में घूम रहा है गुंडा, मैं आके श्राद्धा को छेड़ेगा, ओके? आप इधर से आओ, पिटाई खाएगा। वाह! Oh baby, you're hot baby, yeah! I like you! Wow! आजा भाई आजा आजा आजा, ग्राहक मिल गया। आजा आजा आजा, इसको होश आ जाने से लात मारनी है मैंने। भाई साहब इतनी भी एक्टिंग अच्छी नहीं होती, मुंह छिल जाएगा आपका। डालो इसको और जल्दी करो। अरे भाई थोड़ा इसको, ओए ओए ओए, मैं नहीं उठा सकता इसको। और सुनो, अंदर जाके इसको ऑपरेशन शुरू करो। तुम भी थोड़ा काम सीखो, कब तक चपड़ासी लगे रहोगे? जाओ। डॉक्टर साहब आप इधर आइए, आप इधर आइए। सो एक्चुअली हमारी फिल्म में है, बागी में है, मेरे डैड का किरदार निभा रहे हैं। क्या या ये ऐसा वाहियात आदमी आपने अपना बाप रखा? आपके अपने पिता सुपरस्टार, उनको क्यों रखा आपने? वो पैसे मांग रहे थे। वो रोल करने के पैसे लेते हैं, पैसे दे के मैं ही कर सकता था ये बड़ा काम। अरे डॉक्टर साहब वो बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। हाँ मैं आया भाई, मैं आया। टाइगर श्रद्धा, आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे हैं जो आपसे फिल्म के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी कौन पूछ रहे हैं? पहले कौन आ रहे हैं? क्या नाम है आपका सर? नमस्कार सर, मेरा नाम मुरारी लाल पारिक है। मैं राजस्थान के चूरू जिले से गोगा सर गांव से आया हूँ। सर सारी चीजें अलग अलग करके बोली क्या? आपने पूरा। जी मेरा नाम है मुरारी लाल पारिक, मैं राजस्थान के चूरू जिले से, चूरू जिला जी, गोगा सर गांव से आया हूँ। टाइगर सर नमस्कार। नमस्कार। और श्रद्धा जी आपको श्रद्धा से नमस्कार। थैंक यू सो मच। सिद्धू सर खटाक, आपका खटाक आज मैंने बोल दिया, सॉरी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप दोनों एक दूसरे के पापा की नकल करके मेरे को दिखाइए, मेरे को नहीं पूरे ऑडियंस को दिखाइए। नहीं मैं एक तो इनकी पापा की बेइज्जती नहीं करना चाहता और खुद की बेइज्जती नहीं करना चाहता, कर नहीं पाऊंगा सर। मैं भी इनके डैड की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो कुछ गड़बड़ हो जाए अगर कोशिश में तो वो अच्छा नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। गड़बड़ हो जाएगी तो उसमें कोई ये नहीं, आपके लिए कोई बात नहीं ना, वो अपनी बात कर रहे हैं आप, मेरे गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं। क्या आप राजस्थान में क्या करते हैं सर? राजस्थान में सर मैं यही कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और आवाजें वगैरह निकालता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ सीख लेता हूँ। कुछ भी करते हैं, कोई आवाज निकाल के बताइए ना। बच्चन साहब की सुना देता हूँ जी प्लीज। तो देवी सजनो, द कपिल शर्मा शो में आपको मालूम है कि यहाँ पर हॉस्पिटल जो खुल गया है। नहीं तो ये बच्चन साहब साथ में कुछ खा भी रहे हैं? कैसी आवाज, मैंने पहली बार सुनी है। पहली बार आपको किसने कहा था आप आवाज निकाल लेते हैं? किसी ने कहा नहीं था सर, मेरे को ही लगा कि मैं निकाल लेता हूँ। आपको लगा? ऐसा होता, गर्मी बहुत है ना राजस्थान में। जी जी, दिमाग में चली जाती है, उलट-पुलट चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि हमें आपके शो में आना है, हमें भी एंटरटेन करना है, तो हम लोग अलग अलग शहरों में गए। सो बहुत सारी ऐसी अच्छी फैमिलीज भी हमें मिली। भोपाल से एक फैमिली आई है, वो कहाँ है जी? आपने अपना नाम तो बताया नहीं। रश्मि सिंह जी। और आपके हस्बैंड? केशव सिंह। केशव ये आपकी बहुत बड़ी फैन है एंड मतलब सबसे बड़ी फैन आपकी है, कपिल शर्मा सर की फैन है। जब जब आप टीवी पे पंच मारते हैं ये बाजू में बैठ के मुझे पंच मारती है। तो आप क्या क्या करके दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बस थोड़ी सी नोकझोंक। आइए आइए प्लीज। एक्चुअली मुझे जितना डांस का शौक है ना, इनको बिल्कुल भी डांस नहीं आता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनको प्लीज़ एक स्टेप सिखा दीजिए, क्योंकि मैं डांस के लिए पागल रहती हूँ। हमेशा पार्टी में जाना तो डांस चाहिए, और ये तो आपको पहले चेक करना चाहिए था ना। यही तो प्रॉब्लम हो गई, प्रोडक्ट चेक करके लेना चाहिए। आजकल मिलावटें बड़ी हो रही हैं। जी आप करते क्या हैं भोपाल में सर? मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अच्छा, अरे वाह। सेमिनार्स लेता हूँ। ओके। और सिद्धू सर की जितनी भी शायरियाँ हैं वो लिख लेता हूँ, फिर सेमिनार में बोलता हूँ। और लोग ऐसा बोलते हैं कि सर जो सेमिनार में आप बोलते हैं वही सिद्धू सर बोलते हैं। तो ठीक है, मैं आप डांस करना चाहती हैं? यस। कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? तो आपके लिए ये लावा की तरफ से एक बड़ा ही खूबसूरत मोबाइल फोन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय। श्रद्धा, टाइगर, आपको पहले तो मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ, बिकॉज आपके जो ट्रेलर देख के हमें लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी फिल्म को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मेरे पास भी आपको कुछ बताने के लिए है, वो बाद में बताता हूँ। पहले एक सेल्फी लेते हैं। थैंक यू। श्रद्धा ने बागी में भी बड़ा ही खूबसूरत गाना गाया, जो ये अब हमें सुनाने वाली हैं। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो टाइगर, श्रद्धा, आपको ढेर सारी मुबारकबाद और बेस्ट विशेस। थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते रहिए, हमें आप पे बहुत गर्व है, आप दोनों पे। तो आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोशिश करिए आप जितना पानी बचा सकें, बिकॉज इस समय हमारा देश जो है, बल्कि पूरा विश्व जो है, वो पानी की समस्या से जूझ रहा है। सो हम सबका फर्ज बनता है इंडिविजुअली हम लोग पानी को बचाएं जितना हो सके, और खुश रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।